पुलिस अधीक्षक रवि कुमार के क्राइम फ्री जालौन को लेकर पुलिस लगातार एक के बाद एक अपराधियों की गिरफ्तारी करने में जुटी हुई है। इसी क्रम में जालौन कोतवाली पुलिस एसओजी और सर्विलांस टीम को तीन अहम सफलताएं हाथ लगी हैं, जब उन्होंने सूचना पर घेराबंदी कर तीन शातिर बदमाशों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। आइए दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। एसपी रवि कुमार ने मामले का खुलासा करते हुए जानकारी दी है कि 5 जुलाई को सुषमा पेट्रोल पंप पर 3,60,000 रुपयों की लूट हो गई थी, जिसको लेकर पुलिस की टीम गठित कर लुटेरों के खिलाफ धरपकड़ अभियान शुरू कर दिया था। वहीं पुलिस को कामयाबी हाथ लगी और इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से एक डिजायर गाड़ी और एक अवैध तमंचा सहित 34,800 रुपया भी बरामद किए गए हैं। पकड़े गए अभियुक्तों का पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा, सभी को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। देखिए, ये जो लूट का वर्कआउट थाना जालौन की पुलिस ने किया है, आपको बता दें कि 5 जुलाई को एक सुषमा पेट्रोल पंप के मैनेजर के साथ लूट हो गई थी, उसमें उसी घटना का अनावरण हुआ है और इस घटना में कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से स्विफ्ट डिजायर कार और अवैध असलहे भी बरामद हुए हैं, उसके संबंध में भी मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जब इनसे विस्तृत पूछताछ की गई है तो इनके पास से 34,000 रुपये कैश, स्विफ्ट डिजायर कार, अवैध असलहा बरामद हुआ है। इनके 3 अन्य साथी भी प्रकाश में आए हैं और ये एक अंतर्राज्यीय गैंग है, जिसमें कुछ लोग मुरैना के हैं, कुछ यहाँ के भी रहने वाले हैं। इनका पुराना आपराधिक इतिहास भी कुछ लोगों का पाया गया है और कुल 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और 3 अन्य वांछित हैं इसमें, उनकी भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। और इस घटना को संपूर्ण रूप से खुलासा करते हुए इनके खिलाफ आगे गैंगस्टर की भी कार्रवाई की संभावनाएँ तलाशी जाएंगी और इनकी संपत्तियों का भी जब्तीकरण करने की संभावनाएँ तलाशी जाएंगी। कितने रुपये की लूट हुई थी और कितना? देखिए, जो लूट हुई थी उस लूट की घटना में 3 लाख के आसपास 3,36,000 कैश गया था और अभी उसमें से जब इन लोगों के पास से पकड़ा गया है तो 34,800 रुपया अभी नगद बरामद हुआ है। एक स्विफ्ट कार, उस समय जब इन लोगों ने घटना की थी तो मोटरसाइकिल से घटना की थी, फिर ये लोग भागे थे और अपने अन्य साथियों के साथ एक स्विफ्ट कार में बैठ के फरार हुए थे, तो उस स्विफ्ट डिजायर कार को भी बरामद कर लिया गया है और इनके पास से एक तमंचा भी बरामद किया गया है। ये संभवतः किसी घटना को करने की प्लानिंग कर रहे थे। और जालौन से UP24 न्यूज के लिए मनोज शिवहरे की रिपोर्ट। तो फिलहाल की बड़ी खबरों में बस इतना ही, बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए UP24 न्यूज। नमस्कार।